गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशनल टीवी आज मैं आपके सामने क्लास टेंथ फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इम्पोर्टेंट एम सी क्यू लेके आया हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपको एम सी क्यू के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सभी एम सी क्यू एक्सप्लेनेशन के साथ बताए गए हैं आपका पहला क्वेश्चन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज ऑप्शन आप जानते हैं लेड जिसका फॉर्मूला पीबी है उसकी वैलेंसी होती है प्लस टू एंड सल्फेट एसओ फोर जिसकी वैलेंसी होती है माइनस टू तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट right आंसर होगा आंसर सी पी बी एसओ फोर यह है आपका क्वेश्चन नंबर टू केमिकली रस्ट इज तो आपको पता है केमिकली रेस्ट का फॉर्मूला होता है एफ थ्री पॉइंट एक्स एस टू हो जिसका नेम होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड ये है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री बोथ CO2 टू एंड एस टू गैसेज आर तो गैसेज कैसी होती हैं बच्चों कलरलेस तो इसका ऑप्शन होगा राइट आंसर टू ऑप्शन टू कलरलेस ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम तो बच्चों ये क्वेश्चन रिलेटेड है रेंसिडिटी से आपको पता है कि ऑयली फूड है उसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते क्योंकि क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन और फूड हो जाता है स्पॉइल तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी क्योंकि बाकी सभी ऑप्शन में ऑक्सीजन है इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन एंड हीलियम होप यू एंजॉय द वीडियो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फाइव द इलेक्ट्रोलाइटिक डम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स एच टू एंड ओ टू इन द रेशियो ऑफ बच्चों आपको पता है जब एच टू ओ का डिकम्पोजिशन होगा तो वहाँ हाइड्रोजन के मोलिक्यूल होते हैं टू एंड ऑक्सीजन का मोलिक्यूल होता है वन इट मीन्स इसका राइट right आंसर होगा टू रेशियो वन बाई वॉल्यूम ये है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स फैटी फूड्स बिकम रेंसी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ तो आपको पता है बच्चों फैटी फूड्स रेंसी डोटे हैं तो वहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है वेरी गुड ऑप्शन ए होगा इसका राइट ऑक्सीडेसन ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन सिल्वर आर्टिकल टांस ब्लैक वेन इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ तो बच्चों आपको रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन ऑफ सिल्वर एंड कोरोजन ऑफ कॉपर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जब सिल्वर है वो ओपन एयर में रखी जाती है तो वहाँ पे उसका क्या हो जाता है कोरोजन एंड फॉर्मेशन होता है ए जी टू एस तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए जी टू एस हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड इन ए डार्क कलर्ड बोटल बिकॉज इट इज़ तो बच्चों आपने डी रिएक्शन पढ़ी है डी रिएक्शन हैपन्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट तो जब सिल्वर क्लोराइड को ओपन एयर में रखेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी टू अवॉइड एक्शन बाई सनलाइट हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर नाइन डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू ग्रेनविलेट जिंक टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड पॉइंट आउट द करेक्ट ऑब्जर्वेशन तो बच्चों आपको पता है जब कोई भी मेटल्स रिएक्ट करता है एसिड से तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए कलरलेस एंड ओडोरलेस गैस इज इवॉल्व हेयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर तो लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो लाइम वाटर का कलर हो जाता है मिल्की तो आपका राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लाइम वाटर टांस मिल्की हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर इलेवन वेन ए मैग्नीशियम रिबन इज़ burnt in air, द एस फॉर्म इज ये आपका एक्सपेरिमेंट भी है टेंथ में जो आपके टीचर आपको करवाएंगे तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसकी एस होती है वो वाइट कलर की होती है तो आपका आंसर होगा इसका वाइट एयर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन On इमर्जिंग an आयरन नेल इन copper सल्फेट solution फॉर फ्यू मिनट्स यू विल observe. तो बच्चों जब आयरन नेल कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो वहाँ कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू मेक आयरन सल्फेट और उसका कलर कैसा हो जाएगा सोल्यूशन का ग्रीन तो यहाँ पर ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंज टू ग्रीन हेर यूर नेक्स्ट क्वेश्चन The reaction in which two compounds exchange their ions to form new compound is called it is the definition of double displacement reaction so its answer hoga C double displacement reaction here is your next question question number 14 an element x on exposure to moist air turns reddish brown and a new compound y is formed the substance x and y are तो आपको पता है जब आयरन को एयर में मॉइस्चर में रखेंगे तो वहाँ रिएक्शन होती है और क्या बनता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड सो एक्स इज आयरन एंड वाई इज हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एक्स इज आयरन एंड वाई इज हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द रिएक्शन ऑफ एस टू गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ तो बच्चों आपको पता है द रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एंड मोलिक कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हेयर इज योर लास्ट क्वेश्चन दैट इज सिक्सटीन नंबर रैनसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाई तो बच्चों आप जानते हो रेंट रैनसिडिटी कैन बी प्रीवेंटेड बाई एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट इन फूड स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर दीज ऑल आर राइट सो योर आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज तो ये आपके क्वेश्चन एम सी क्यू कम्प्लीट हुए होप मोस्टली क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिए होंगे आपका रिविजन भी हुआ होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल इन वन एजुकेशन